आज मैं आपको बताऊंगी फेस योगा की मदद से आप तरह से यूथफुल और ग्लोइंग स्किन पा सकते हो। तो पांच एक्सरसाइज मैं आज आपको बताऊंगी जिससे आप अपनी स्किन को ग्लो लेकर आ सकते हैं और एक यूथफुल स्किन आप पा सकते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तब हम सोचते हैं कि हम कब बड़े होंगे, और जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम सोचते हैं कि किस तरह से हम बच्चों जैसी स्किन पाएं। इन एक्सरसाइज की मदद से मैंने अपने फेशियल पैरालाइजिस को भी ठीक किया है। तो ये इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो फेशियल पैरालाइजिस को भी ठीक कर देती है ये एक्सरसाइज है फ्रेंड्स। तो आप जिनको फेशियल पैरालाइजिस हो चुका है तो वो भी इसको ट्राई कर सकते हैं और अपने फेशियल पैरालाइजिस को ठीक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ वो पांच ऐसी एक्सरसाइज हैं जो बहुत ही आसान है, और ये पांच एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हो तो लगभग जो आपकी स्किन की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। सबसे पहले जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको आपके फोरहेड के लिए बताऊंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फोरहेड को इस तरह से होल्ड कर लेना है और आपको देखना है नीचे इस तरह से, और अपने जो फोरहेड है उसको अच्छी तरह से इस तरह से स्ट्रेच कर लेना है और नीचे देखना है इस तरह से स्ट्रेच, नीचे देखना है स्ट्रेच, नीचे स्ट्रेच, नीचे। इससे जो आपके फोरहेड के मसल्स हैं वो स्ट्रोंग होते हैं और उन पर रिंकल की प्रॉब्लम नहीं होती है। आप देखेंगे कि फोरहेड पर पूरी तरह से दबाव बन रहा है। तो आपको बिल्कुल नीचे देखना है और फिर यहाँ पर मसल्स पर इस तरह से दबाव बनाना है। इसकी आपको 10 रेपिटेशन करनी है। तो ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज है वो है इन आँखों के लिए, यहाँ पर भी रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके लिए मैं आपको बताऊँगी, आपको दो उंगलियों की मदद से इस तरह से जो आपके आईब्रो हैं वहाँ से आपको इस तरह से इसको होल्ड करना है और आप अपने आँखों को झपकाएंगे। तो चलिए इस तरह से, यहाँ से सबसे पहले हम होल्ड करें। इससे जो हमारी आंखों की मसल्स हैं वो स्ट्रोंग होती है और आंखों के आसपास रिंकल की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसको भी हमें 10 बार करना है 2 times के लिए। तीसरी एक्सरसाइज है वो है हमारे पूरे फेस के लिए। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले चेहरे को हम इस तरह से, फिर दोनों हाथों की मदद से हमें ऊपर करना है। और हमारे जो फेस है इसको हमें कुछ 10 सेकंड के लिए इसी तरह से होल्ड करना है। तो चलिए तरह से हवा भर लेते हैं सबसे पहले। तो इसको भी आपको 10 times करना है। यहाँ पर आपकी जो लाइंस होती है, लाफ लाइंस जिसको बोलते हैं, उसके लिए है। तो जो अगली एक्सरसाइज है वो हमारे नेक के लिए है। तो चलिए इस तरह से हम एक सबसे पहले ऊपर की तरफ चेहरे को कर लेना है और अपने फेस को इस तरह से कर लेना है। इससे जो हमारे यहाँ पर पूरा स्ट्रेच होगा और हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो इससे इम्प्रूव होगा।
तो ये जो पांच एक्सरसाइज है इसके साथ साथ आपको अपने डाइट का ख्याल रखना है। 5 बजे के बाद में आपको ऑयली फूड वगैरह खाना नहीं खाना है, 5 बजे से पहले आपको खाना खा लेना है। पानी की मात्रा आपको अपने शरीर के अंदर बढ़ा देनी है, 3 लीटर से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है। ऑयली फूड आपको बंद कर देना है जिससे जो आपकी स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा यूथफुल और ग्लोइंग हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज आप कीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी प्यारी प्यारी वीडियो आती है वो आप देख पाओ। थैंक यू दोस्तों।